दोस्तों साथियों, आप सभी को नमस्कार। लोकसभा चुनाव के इस महाकुंभ में कर्मचारियों पर बड़ी जवाबदारी रहती है, क्योंकि चुनाव जैसा महत्वपूर्ण कार्य इनके कंधों पर होता है। विषम से विषम परिस्थितियों में कर्मचारी, विशेषकर अध्यापक संवर्ग, शिक्षक संवर्ग, ये शिक्षा विभाग के कर्मचारी इस कार्य को संपादित करते हैं। ये वीडियो उन सभी कर्मचारियों के लिए जो P0, P1, P2, P3 का कार्य लोकसभा चुनाव में करेंगे। साथियों को जानकारी है कि चुनाव में करना क्या होता है, लेकिन हर चुनाव में कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाते हैं और कुछ जानकारी हमारे दिमाग से निकल भी जाती है, इसलिए इस वीडियो को आपकी जानकारी रिफ्रेश हो जाए। दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। इस वीडियो में आपको सामान लेने से लगाकर अंत तक की जानकारी बताई जाएगी, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें और जानकारी आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। सामग्री प्राप्त कर चेक लिस्ट से मिलान करें। ग्रीन पेपर सील, स्ट्रेप सील, पिंक पेपर सील, विशेष टैग, एड्रेस टैग, निविदित मतपत्र का मिलान एवं उनके क्रमांक को नोट करना, विशेष ध्यान रखें इसका। अमित शाही सुवेदक मोहर, पीतल की सील, मॉक पोल, मतदान पर्ची सील, काला लिफाफा का मिलान करें। अगला है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति एवं अन्य दो प्रतियों के सभी भागों का मिलान। आवंटित केंद्र एवं भाग संख्या का मिलान करें। मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 ग, मतपत्र लेखा प्रारूप 17 ग, सावधिक व असावधिक लिफाफे इत्यादि एवं अन्य प्रपत्रों का मिलान करें। प्राप्त CU, BU एवं VVPAT के एड्रेस टैग द्वारा आवंटित मतदान केंद्र का मिलान करना, विशेष ध्यान रखें इसका। प्राप्त CU, BU एवं VVPAT के बॉक्स एवं उसमें अंकित क्रमांक का मिलान करना है और नोट करना है। VVPAT को बक्से से निकालकर देखकर जांच करना है, उसके पेपर, नोक नोब एवं बैटरी को चेक करना एवं पुनः बक्से में रखना। BU को कैश से निकालकर उसमें लगे मतपत्र एवं उसकी स्थिति की जांच करना। थंब व्हील स्विच की स्थिति चेक करना, यदि एक BU है तो उसकी स्थिति एक पर होगी, एवं एड्रेस टैग का मिलान करना है। CU को कैश से बाहर निकालना। कैंडिडेट एवं बैटरी सेक्शन की सीलिंग एवं एड्रेस टैग का मिलान करना है। CU के पृष्ठभाग के ढक्कन को खोलकर स्विच ऑन करना एवं प्रदर्शन खंड में प्रदर्शित जानकारियां जैसे CU का क्रमांक, सेट कैंडिडेट की संख्या, बैटरी की स्थिति उच्च है या नहीं इत्यादि का मिलान करना है। CU का स्विच ऑफ करना, उसे पुनः बक्से में रखकर बंद करना। किसी भी स्थिति में CU, BU एवं VVPAT को मॉक पोल से पहले कनेक्ट करके जांच नहीं करना है, क्योंकि VVPAT पूर्व में जांच किए गए होते हैं। मतदान के एक दिन पूर्व वाला दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन ही आधे से अधिक काम पूर्ण कर लिए जाते हैं। देख लेते हैं क्या करते हैं उस दिन। मतदान केंद्र के BOL से संपर्क करें। यदि ASD सूची न प्राप्त हुई हो तो BOL से हस्ताक्षर युक्त ASD सूची प्राप्त कर लें। BLO को निर्देशित करें कि अभ्यर्थियों को, एजेंटों को मतदान दिवस के दिन मतदान समय के पूर्व लगभग 1.25 घंटे पहले ही उपस्थित होने हेतु सूचित करें। समस्त प्रपत्रों एवं लिफाफों में सामान्य जानकारियां भरकर प्रपत्रों को संबंधित लिफाफे में रख लें। मतदान प्रकोष्ठ एवं मतदान कक्ष की बैठक व्यवस्था को बना लें। ध्यान रहे VVPAT स्क्रीन के सामने बल्ब हेलोजन का सीधा प्रकाश न पड़े, क्योंकि अगर सीधा प्रकाश पड़ेगा तो हो सकता है VVPAT कुछ तकनीकी त्रुटि आ जाए। 100 मीटर एवं 200 मीटर निर्धारक चिन्ह लगा लें एवं आने का स्थान, जाने का स्थान आदि चस्पा कर लें। मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में घूमकर यह सुनिश्चित करना कि आचार संहिता उल्लंघन वाली कोई सामग्री तो नहीं लगी है। इससे आगे की जानकारी अगले वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों मतदान वाली जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें। दोस्तों जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए व अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ऐसे तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, लेकिन जो साथी ये वीडियो और ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए व चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे इस चैनल के नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे और जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उन्हें देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।